मिलवाता हूँ सुधीर भार्गव जी से, जो कि संरक्षक हैं हेमू जी की हवेली के। और ये हमें हेमू जी के विषय में कुछ बताएंगे कि कैसे अलवर से आए यहाँ पर रेवाड़ी, और उन्होंने मुगलों को हराया और चक्रवर्ती सम्राट बने। हेमचंद्र जी का जन्म तो माछेरी गांव में हुआ था। राजगढ़ तहसील है अलवर जिले में, अब राजस्थान में है वो। और उनके पिताजी राजपुरोहित थे राजा ईश्वर चंद्र के। राजा ईश्वर चंद्र जो हैं माचाड़ी और उस इलाके के, जिसको हम मत्स्य राज्य बोलते हैं, पुराणों में नाम आता है मत्स्य राज्य, उसके राजा थे। तो पूरन चंद जी जो थे हेमचंद्र जी के फादर, वो उनके राजपुरोहित थे। और फिर हेमचंद्र जी की जो बहन थी उनकी शादी यहाँ कुतुबपुर में हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पर आ गए थे, कुतुबपुर में पढ़ते थे यहाँ पर, क्योंकि रेवाड़ी उस समय बहुत बड़ा केंद्र था व्यापार का। दिल्ली से और कंधार जाने का ये जो सड़क है, नारनौल रोड, ये आगे बीकानेर होके उधर चली जाती थी पाकिस्तान की तरफ। तो ये व्यापार के लोग ही व्यापारी लोग यहाँ आते थे। रेवाड़ी काफ़ी बड़ा शहर था उस समय, 500 साल पहले। तो हेमचंद जी यहाँ आ गए थे, यहाँ पढ़ते थे। उन्होंने यहाँ कई भाषाएं सीखी और उनके रिलेशन अच्छे थे शेरशाह सूरी के परिवार से, क्योंकि शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल में हुआ था। और हेमचंद्र के चाचा भी वहाँ विस्वेदार थे, लैंडलॉर्ड थे वहाँ पर, हेमचंद्र के चाचा। तो इनके पारिवारिक संबंध थे। और जब शेरशाह सूरी नारनौल से गए थे बिहार अपनी माँ और अपने बड़े भाई के साथ, तो वो कुछ दिन उनके गांव माछेरी में भी रुके थे, ऐसा है, इतिहास की किताबों में आता है। हमारे पास ऐसी किताब है जिसमें ये जिक्र है। अच्छा, तो माछेरी कहाँ पर है अभी? जी माछेरी अलवर ज़िले में है, जी किशनगढ़ से 30-35 किलोमीटर आगे है उसके, यहाँ से समझो 40-50 किलोमीटर के करीब है रेवाड़ी से। तो उनके शेरशाह सूरी से बचपन से ही अच्छे रिलेशन थे। और शेरशाह सूरी के पिताजी ने उसको, शेरशाह सूरी को बिहार भेज दिया था अपने एक मित्र के पास कि इसको फ़ौज में भर्ती करना। तो शेरशाह सूरी वहाँ पहले फ़ौज में हुए, फिर धीरे धीरे वो बड़े उन्होंने काफ़ी एरिया अपने नाम हिस्से में जीत लिया था। और उन्होंने दो शादियाँ की दो विधवाओं से, तो उन विधवाओं की भी काफ़ी लैंड्स उनको मिल गई। तो वह एक छोटा उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया और उसको बिहार में एक्सपेंड किया। आज के बिहार का समझो चौथा हिस्सा उनके पास था। और जब बाबर ने हमला किया तो उस समय तक तो उनकी हैसियत ठीक हो गई थी शेरशाह सूरी की बिहार में। तो बाबर ने हमला किया, उसने यहाँ पर आके जब ये मंदिर वगैरह तोड़े और हिंदुओं को परेशान करना शुरू किया, तो शेरशाह सूरी ने हेमचंद्र जी की मदद ली और इनको बोला कि आप हमें दक्षिण भारत से, विजयनगर अम्पायर से तोपें और तोपों का जो गन पाउडर है वो अरेंज करके दें, क्योंकि विजयनगर अम्पायर भी एक बड़ा पावरफुल राज्य था। तो क्योंकि बाबर जब आया था वो तोपें लेके आया था, और तोपों की वजह से वो जल्दी जीत गया। फौज छोटी थी पर तोपें उसकी इम्पोर्टेंट इशू था। तो हेमचंद्र जी ने तब शेरशाह सूरी के लिए तोपों का इंतज़ाम किया, क्योंकि ये परिवार भी राजपुरोहितों का परिवार था जो कुतुबपुर में था। हैं, आप हवेली देखेंगे बड़ी अच्छी बनी हुई है, 1000 साल पुरानी हवेली है। तो 1000 साल पहले यहाँ का जो परिवार था वो दिल्ली का राजपुरोहित होते थे वो लोग। अच्छा तो इनके कॉन्टैक्ट्स थे ऑल ओवर इंडिया अच्छे, तो इन्होंने इसलिए तोपें वगैरह विजयनगर अम्पायर से मंगाई और शेरशाह सूरी को दी, जिसके दम पर वो शेरशाह सूरी ने आर्मी बड़ी की अपनी। और उन्होंने फिर बाबर की तो डेथ हो गई थी, तो हुमायूं था दिल्ली में, हुमायूं को हराया उन्होंने और हुमायूं वापस भाग गया काबुल। अच्छा हमने पढ़ा था कि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, वो उससे गिर गया था अपने पुस्तकालय में सीढ़ियों से, और बैरम खान उस समय जलालुद्दीन का अंगरक्षक था, तो बैरम खान को उस टाइम पर हराया था। नहीं, बैरम खां और वगैरह और ये अकबर,
ये तो उधर पंजाब में थे, अच्छा, उस समय दिल्ली में नहीं थे ये। हेमचंद्र उस समय बंगाल में थे, बंगाल में लड़ाई लड़ रहे थे। 22 लड़ाई इन्होंने जीती, उन्होंने 22 लड़ाई जीती बंगाल तक, बंगाल से लेके पंजाब तक का था, और 22 लड़ाइयाँ उन्होंने जीती थी, इसमें काफ़ी लंबा एरिया जीता था। और जब हुमायूं की डेथ हो गई तो वो दिल्ली आए, दिल्ली में लड़ाई लड़ी उन्होंने, हुमायूं के जो बचे खुचे सेना थी उनके गवर्नर्स थे, उससे पहले उन्होंने आगरा जीता, फिर दिल्ली जीता, और दिल्ली में राज्याभिषेक कराया, अपने आप को विक्रमादित्य राजा, विक्रमादित्य राजा वो होते हैं जो वैदिक संस्कृति से राज करते हैं, उन्होंने कहा अब देश में वैदिक संस्कृति लागू होगी। और उसके बाद उन्होंने जब राज्याभिषेक हुआ तो ये बता दिया था कि अब मैं काबुल, अब हमें जीतना है, क्योंकि वो भी भारत का हिस्सा है, हम अखंड भारत बोलते हैं ना, तो ये प्लान उस समय भी उनका था। अखंड भारत बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, कई हज़ार साल से, और उस समय उनकी आयु 55 वर्ष के आसपास है ना, 15। हाँ, जब राज्याभिषेक हुआ तो वो 55 साल के थे, तो वो वहाँ से निकले थे काबुल लड़ने के लिए, काबुल जीतने के लिए, हाथी पे सवार होकर निकले थे। हाँ, हाथी पे, और बड़ी लंबी फौज लेके निकले थे, उन्होंने नई फौज अपनी और ऐड की थी दिल्ली जीतने के बाद, काफ़ी लोगों को ऐड किया था उन्होंने, हिंदुओं को, और काफ़ी बड़ी विशाल सेना बना ली थी, और काबुल लड़ने जा रहे थे। तो पानीपत में युद्ध हुआ, उन्होंने रोका अकबर की जो कुछ बची खुची सेना थी, तो ये जीत रहे थे, सेना काफ़ी थी इनके पास, पर अचानक एक तीर लग गया तो ये गिर गए, उनकी डेथ हो गई इंस्टेंट, क्योंकि तीर आँख में लगा, पीछे से निकल गया, तो ऐसे में आजकल तो पता है ब्रेन एकदम से, ब्रेन हेमरेज होता है और डेथ हो जाती है, तो वहीं औहदे में ही डेथ हो गई थी। तो वो तीर छुपके किसी ने चलाया था जी? नहीं, वो तो हमेशा लड़ाइयाँ सब अपने आप लड़ते थे, हाथी पे बैठ के अब अपनी सेना को लीड कर रहे थे। जैसे मुगल जो थे सदा ये धोखे से जीतते आए थे, वो लड़ाई में तो अब तीर अचानक आ गया कहीं से, तीरंदाज थे उनके, तो लड़ाई में तो कहाँ से आया ये कहना है, पर हाँ तीर से हो गई उनकी डेथ हो गई। और ये कहना भी ठीक नहीं है कि वो जिंदा थे, उनको अरेस्ट किया गया, वो तो वहीं डेथ हो गई थी। और शाम के समय वो कहीं उनके हाथी को रोका मुगल सैनिकों ने, तब पता लगा कि इसमें हेमचंद जी हैं, और उनकी फिर उनको ला के अकबर के सामने पेश किया, तो अकबर को गाजी की उपाधि के लिए बोला गया कि इनका गला काट दो, तो उन्होंने मरे हुए इनका ही गला काट दिया गाजी की उपाधि लेने के लिए। वो भी उससे नहीं हुआ था, वो उसके हाथ काट गए थे, वो थोड़ा रिलक्टेंट था, बच्चा था, तो बैरम खान ने उसके हाथ लगवा के गला काटने की रस्म की, और गले को उन्होंने काबुल भेज दिया, क्योंकि अफगानों को ये दिखाने के लिए कि इनकी डेथ हो गई है, और धड़ को उन्होंने यहाँ पुराना किला दिल्ली में जहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ था वहाँ पर लटकवा दिया, ताकि लोगों को डर हो। और उन्होंने फिर यहाँ आक्रमण किया, रेवाड़ी में भी किया, यहाँ से 200 लोगों के गले काट के उन्होंने सिर, उनके सिरों की एक दीवार में चिन दिया, दिखाने के लिए कि ऐसा कोई करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो डराने की उन्होंने हिंदुओं को कोशिश की। तो ये उनका इतिहास है। ठीक है, बहुत धन्यवाद।